सरकार, पूंजीपतियों और मीडिया का गठजोड़, एक पूंजीपति का 70 मीडिया घरानों पे कंट्रोल, गोदी मीडिया, देशद्रोह, आतंकवादी कानूनों का इस्तेमाल मीडिया को दबाने के लिए, खुले आम टीवी चैनल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। ईदिना में आपका स्वागत है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जो दुनिया भर में मीडिया की आज़ादी को लेकर हर साल एक सूचकांक लेकर आती है। इस लिस्ट में इंडिया 159वें नंबर पर है। पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका भी उनसे इस लिस्ट में आगे हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले भारत पायदान में 2 कदम ऊपर है, वो भी इसलिए क्योंकि और देशों की हालत और भी खराब हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह पत्रकारों पर हमले, मीडिया का केंद्रीकरण और राजनीति से सांठगांठ ने मीडिया की आज़ादी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में खतरे में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में भारतीय मीडिया की तीखी आलोचना हुई है और यहाँ तक भी कहा गया है कि जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं तब से भारतीय मीडिया एक अनऑफिशियल आपातकाल की स्थिति में चला गया है। खास करके मीडिया, भाजपा और पूंजीवादी घरानों के संबंधों को लेके भी टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट अदानी ग्रुप से एनडीटीवी के टेक ओवर और मुकेश अंबानी, जिनको मोदी जी का खास दोस्त बताया गया है, के बारे में भी बात करता है। अंबानी 70 मीडिया घरानों के मालिक हैं, जिन्हें 80 करोड़ लोग देखते हैं। इस रिपोर्ट में गोदी मीडिया के बारे में भी टिप्पणी की गई है, जो भाजपा के प्रचार मशीन के रूप में ज़्यादा काम करता है। ये चैनल्स खुले आम मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की वकालत भी करते हैं। रिपोर्ट काफ़ी डिटेल में यह भी बताती है कि कैसे देशद्रोह और आतंकवादी कानूनों का सहारा लेके मीडिया को दबाया जा रहा है। मोदी सरकार दमन बढ़ाने के लिए और नए कानून ला रही है। जो पत्रकार सरकार के खिलाफ लिखते और बोलते हैं, उन्हें ना सिर्फ भाजपा के ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है बल्कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का भी। सिद्दीक कप्पन का केस हम सब के सामने है, जो करीब 2 साल तक जेल में बिना ट्रायल के रखे गए क्योंकि वो हाथरस का रेप कांड कवर करने गए थे और ये यूपी सरकार को नागवार गुजरा। लगातार इन पत्रकारों को एंटी नेशनल और देशद्रोही का लेबल दिया जाता है। महिला जर्नलिस्ट की ऑनलाइन बोली लगाई जाती है, उनकी निजी जानकारी पब्लिक को दी जाती है। यह रिपोर्ट कश्मीर पर भी बात रखती है, जहां पत्रकारों को पुलिस और पैरामिलिट्री द्वारा लगातार परेशान किया जाता है और कई कई सालों तक डिटेन करके रखा जाता है। आपको ये बता दें कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन जैसी कंट्रीज़ का है। इस रिपोर्ट में अक्टूबर 2023 में गाज़ा में चल रहे युद्ध का और वहां हुई रिकॉर्ड संख्या में पत्रकारों की मौत पर भी चिंता व्यक्त की गई है। इजरायली सेना अब तक 100 से ऊपर पत्रकारों को मार चुकी है। इनमें से कई पत्रकारों को तो टारगेट करके मारा गया है। कुल मिला के कहें तो मीडिया की आज़ादी को उन्हीं लोगों से खतरा है जिन पर इसे बचाने की जिम्मेदारी है। जी, राजनीतिक लोगों से। ये बहुत ही परेशान करने वाला ट्रेंड है, खासकर अब जब आधी से ज़्यादा दुनिया 2024 में चुनाव देने जा रही है। इसी तरह के न्यूज़ डिस्कशन और चर्चाओं में शामिल होने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए edina.com। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು edina.com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।